हेलो एवरीवन, दिस इज सीए नितिन गुप्ता फ्रॉम वेटू पिनाकल। तो ये एसएस के 5 मिनट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम पहला एसए 5 मिनट रिवीजन में कवर करने के लिए जा रहे हैं, ये है एसए 210। टाइटल इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। ये एसए बेसिकली मुझे ये बताता है कि किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कि इन इन बातों को फॉलो करिए बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिटिंग एंगेजमेंट। और वो दो बातें कौन कौन सी? सबसे पहली बात आती है यहां पर प्री कंडीशन को लेकर, उसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर। अगर ऑडिट की प्री कंडीशन क्लाइंट के यहां पर एग्जिस्ट करती हैं तो ही फिर मैं टर्म ऑफ एंगेजमेंट की बात करूंगा। अगर ऑडिट की प्री कंडीशन क्लाइंट के यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऐसे कहता है कि आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑडिट की प्री कंडीशन क्लाइंट के यहां पर एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद मैं मूव कर जाऊंगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने के लिए बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। अगर मेरे और मैनेजमेंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर एस्टैब्लिश हो जाती हैं, तो मैं इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता हूं। अदरवाइज ये एसए मना करता है कि आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। तो दो बातों पर मुझे फोकस करना है अल्टीमेटली। फर्स्ट वन इज प्री कंडीशन एंड द सेकंड वन इज टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट। जब मैं प्री कंडीशन की बात करता हूं, दो प्री कंडीशन पर फोकस किया गया है। सबसे पहला, ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is acceptable, and the second one is auditor shall obtain written agreement from the management or where appropriate from those charged with governance that they acknowledges and understand their responsibilities with respect to। teen baatein aati hain yahan par, preparation of financial statement as per the applicable FRS, designing and implementing proper internal control system so that preparation of financial statement may become free from material misstatement whether due to fraud or error, and providing unrestricted access to all the person within the entity to the auditor। if any of the precondition is missing or prior to acceptance management imposes any kind of restriction or limitation on the scope of auditor, then auditor shall not accept the appointment। main us case mein is appointment ko acceptance nahi dunga। बट सर, अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती है तो क्या होगा? तो मैं अब टर्म ऑफ एंगेजमेंट में मूव कर जाऊंगा। बेसिकली टर्म ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिटर एक एंगेजमेंट लेटर के अंदर ड्राफ्ट करता है, इसकी टोटल दो कॉपी निकालता है, दोनों कॉपीज पर वो खुद साइन करता है, और काउंटर साइनिंग के पर्पस के लिए ये एंगेजमेंट लेटर की दोनों कॉपीज वो मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करता है। मैनेजमेंट भी अगर इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पर एग्री कर जाता है तो वो उस केस में काउंटर साइन करता है, एक कॉपी वो अपने पास रखता है और एक कॉपी वापस वो मुझे हैंड ओवर करता है, जो मेरे एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड बन जाता है। अब बताया कि सर, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का प्रिंसिपल कंटेंट क्या है? तो बेसिकली मैं एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये बातें मेंशन कर देता हूं कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, ऑडिट में मैनेजमेंट दोस्त चार विद गवर्नेंस आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी और मेरी जिम्मेदारी क्या रहेगी। फिर पॉइंट में लिखता हूं, फैक्ट दैट हैविंग रिगार्ड टू टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट, पर्सुएसिव रादर देन कंक्लूसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, टूगेदर विद इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मे रिमेन अनडिटेक्टेड। मैं उनको बताता हूं कि देखिए भाई, कि ऑडिट में मैं उम्मीद करता हूं कि किस किस मैटर पे मुझे आपसे रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिस जिस मुद्दे पर मैं आपसे WR कॉल करूंगा, उन उन मुद्दों पे मुझे आप WR प्रोवाइड करवाएंगे। ऑडिट फीस कैसे डिटरमाइन की जाएगी, कैसे मैं उसको रिकवर करूंगा आपसे, वो कंप्लीशन फेज होगा या प्रोग्रेसिव बेस पर चलेगा, ऑडिट करते हुए कैसे कैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करूंगा, यानी एक कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होगा मेरा आपके साथ, वो हम बताते हैं। FRS जो क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल है उसके बारे में हम बताते हैं, कुछ बहुत सारी बातें, जस्ट लाइक पीयर रिव्यू, कि मैं जो आपके यहाँ पर ऑडिट कर रहा हूं कल को ये पीयर रिव्यू में आ सकती है, हो सकता है आपकी बातें मैं किसी और के साथ शेयर कर लूंगा। ये सारी के सारी बातें आप एंगेजमेंट लेटर में लेके आते हो। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, उसकी बातें हम यहाँ पर लिख के आते हैं सर। लेकिन अगर किसी लॉ और रेगुलेशन में ये एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट अगर प्री डिफाइंड है, तो क्या इन सारी बातों को मुझे दोबारा से एंगेजमेंट लेटर में लेके आना चाहिए? देन आंसर इज नो। If any law or regulation prescribes in sufficient detail the term of audit engagement, then there is no need to record these terms of engagement again in an engagement letter, except for the fact that management acknowledge and understand its responsibilities। केवल फिर भी मैं उनके एक लेटर दूंगा ये कहते हुए कि जैसा कि एक्ट में लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी जिम्मेदारियां भली भांति पता होंगी। फिर बात आई, सर सोचिए कि मैं एक रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में हूं, तो क्या रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में हर बार मुझे एक नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा? देन आंसर इज नो। एसए 210 क्लियर मना करता है कि रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर जब जब आपकी रीअपॉइंटमेंट होगी, हर एक बार रीअपॉइंटमेंट पर आपको एक नया एंगेजमेंट लेटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं। जब एक रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर मैं एक नया एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट को प्रोवाइड कराऊंगा, वो कौन कौन सी परिस्थितियां है इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। अगर कोई रिसेंट चेंज हुआ है एंटिटी के यहां पर सीनियर मैनेजमेंट में, कोई रिसेंट चेंज हुआ है, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है एंटिटी के ऊपर, एंटिटी के जो साइज है, जो उनका बिजनेस है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, एंटिटी के ऑनरशिप स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ है, एंटिटी पर एप्लीकेबल होने वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंज हुआ है, कोई इंडिकेशन है कि क्लाइंट के मैनेजमेंट को गलतफहमियां हैं ऑडिट के ऑब्जेक्ट को लेकर, ऑडिट के स्कोप को लेकर, या प्रीवियस टर्म ऑफ एंगेजमेंट में कोई चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है, तो अगर ऐसे कुछ चेंज मुझे देखने को मिलते हैं तब उस केस में रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर मुझे एक नया एंगेजमेंट लेटर प्रोवाइड कर देना चाहिए। अब सोचिए कि मैंने एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस तो दे दी, लेकिन अभी एंगेजमेंट को मैंने कंप्लीट नहीं किया। अब मैनेजमेंट मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आता है किसी भी टर्म ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज करने के लिए, तो क्या टर्म ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज किया जा सकता है? तो इफ बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड बाय मैनेजमेंट टू चेंज एनी टर्म ऑफ एंगेजमेंट विच प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस टू द ऑडिटर, तो उस केस में सबसे पहले मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, वेदर देयर एग्जिस्ट रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू डू सो। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो मैं उनकी बात को मान सकता हूं, बट उस केस में आपको एक नया एंगेजमेंट लेटर या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट में वो रिवाइज टर्म ऑफ एंगेजमेंट को आपको मेंशन करना होगा। बट इन केस मुझे अगर मैनेजमेंट की बात सही नहीं लगती, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज के पीछे, तो उस केस में मैं मैनेजमेंट की बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा अपने ओरिजिनल टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर। बट मुझे अगर मैनेजमेंट ओरिजिनल टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर कंटिन्यू करना अलाउ नहीं कर रहा है, तब उस केस में मुझे यहां पर आपके यहां पर काम नहीं करना, बिकॉज आप मेरे काम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो अगर लॉ में विड्रॉ करना परमिशेबल है इस मैटर पे, इस ग्राउंड पर, तो मैं यहां से विड्रॉ कर लूंगा और विड्रॉ करने पर देख लूंगा कि मेरी क्या क्या रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां बनती हैं लीगल एज वेल एज प्रोफेशनल। तो इस एसए पर अगर देखा जाए बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन प्री कंडीशन के ऊपर पॉसिबल होगा, दूसरा क्वेश्चन एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट के ऊपर पॉसिबल है, तीसरा क्वेश्चन आपके रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में हर बार एक नया एंगेजमेंट लेटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जब आपको एक नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ सकता है, एक क्वेश्चन यहां पर पॉसिबल होगा, और एक क्वेश्चन अगर मैनेजमेंट आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है किसी भी टर्म ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने के लिए, तो ऐसे रिक्वेस्ट पर आपको किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है, एक क्वेश्चन की रेंज यहां पर पॉसिबल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चे इतने शॉर्ट टाइम में मैंने जो आपको इस एसए का एक कंप्लीट रिवीजन दिया है वो काफी अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। इसमें जो आपको समरी नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं या अगली जो भी वीडियोस में समरी नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप वहां से जाके इन समरी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।